उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। राजनीतिक दलों के पास चुनाव प्रचार के लिए समय कम है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव वादे लेकर मैदान में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। इसी बीच दर्जनों महिलाओं और युवाओं के आप पार्टी में शामिल होने से भाजपा और कांग्रेस में खलबली मच गई है। उधर जसपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सिंघल ने दावा किया कि लोगों से मिल रहे समर्थन व प्यार से यह साफ हो गया है कि इस बार जसपुर सीट भाजपा की झोली में आएगी। वहीं आप प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी ने दावा किया है कि उनकी सीधी टक्कर भाजपा से होगी। आपके चुनाव प्रचार में दिल्ली से जसपुर आई दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्ला खान की पत्नी मरियम ने कहा कि जसपुर में इस बार आप पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी भारी मतों से विजय होंगे और वो दिल्ली की तर्ज पर जसपुर का विकास करेंगे। सुरागीलाल न्यूज चैनल के संवाददाता दीपक चौहान द्वारा ये पूछे जाने पर कि आप प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी का दावा है कि उनकी टक्कर सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है, उनके जवाब में शैलेंद्र मोहन सिंघल बोले कि सभी प्रत्याशी अपनी टक्कर भाजपा से बता रहे, इसका साफ मतलब है कि भाजपा मजबूत है और सबसे आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार नहीं बना पाएगी, ऐसे में लोगों से फ्री बिजली, बेरोजगार भत्ता, जिला बनाने की गारंटी देना उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ छलावा है। बस कर दो काम पार आपके चाचा, आओ भैया यहाँ से नीचे ही कर दी, आओ बचना हो यार। हाँ चलो 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 बाहर निकलो, वही करेंगे भाई। अब आए जसपुर से कॉल, ठीक है अपना पार कर दो मामला, बिल्कुल आग बनवाई है, ठीक है बनी, ठीक बनी है। कमल का फूल है बाजी, 14 फरवरी में ध्यान रखना। अच्छा कमल का फूल, टेंशन मत लो, 14 फरवरी तक तो तुम्हें बिल्कुल फिट कर देंगे एकदम। कहना हमारी सीधी टक्कर भाजपा से, क्या कहना चाहेंगे? जब सभी की भाजपा से टक्कर है तो जाहिर है कि भाजपा सबसे आगे चल रही है। और जहाँ तक अपनी पार्टी का बात है, हमारा इस समय वर्कर बहुत उत्साहित है, जनता में एक अच्छा संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने जो कार्य किए हैं, उसका अच्छा संदेश जनता के अंदर है। तो हमें तो बस ये 14 तारीख का इंतज़ार है और जब तक अपना जो विवेक है हमारा युवाओं का और महिलाओं का, उसको संभाल कर रखना। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की कुछ महिलाएं आई हुई हैं प्रचार प्रसार के, लगातार कह रही हैं जो जनता है वो पसंद कर रही है, यहाँ भी दिल्ली मॉडल रखा जाएगा, उस पर क्या कहना है? अब दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग है, उत्तराखंड का अलग हिसाब है। दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में नहीं चल सकता क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी आय के साधन है, उत्तराखंड में आय के साधन नहीं है। हमें अपने आय के साधन विकसित करने होंगे और हमें आगे बढ़ना होगा, वो मॉडल यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि दिल्ली मॉडल उनके सामने है और अरविंद जी की लहर है, और जैसे सभी कार्यकर्ता अपनी जीत को पूरा पूरा वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली विकास मॉडल हमारे सामने है। डॉक्टर यूनुस चौधरी के पक्ष में बहुत लोग हैं और असल में सब लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अब भाजपा और कांग्रेस को रवाना किया जाए, एक ईमानदार सरकार आए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। और किन किन देखिए यहाँ के चुनाव को और वहाँ के चुनाव को बस मैं ऐसे अलग मान रही हूँ क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने वादे कर करके 20 साल आप समझ सकते हैं कि कोई काम नहीं किया, जनता से वादे किए हैं। और दिल्ली के अंदर जब हम आए थे तो अन्ना आंदोलन से आए थे हम लोग, और हमारे अरविंद जी ने जब अन्ना आंदोलन से इसकी पार्टी की शुरुआत करी थी उसी टाइम काफ़ी लोगों का हमें समर्थन मिला था
और कार्यकर्ता दिल्ली की जनता जब 5 साल के लिए हमें सरकार में चुन चुकी थी, 5 साल बाद जब हम दोबारा आए तो जनता ने हमें कह दिया था कि अब आप लोग घर बैठ जाइए क्योंकि हम दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को ही चुनेंगे। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये परेशानी थोड़ी सी हो रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने माहौल ज्यादा खराब कर रखा है, लोगों के काम नहीं हुए हैं, इसलिए जनता को विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन साथ में अरविंद केजरीवाल जी पे उन्हें पूरा यकीन है कि जब दिल्ली के अंदर विकास किया है तो उत्तराखंड में भी अगर मौका मिला तो विकास होगा। देखिए, मैं बस महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि आज मतलब हम किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो बेटी पढ़ी और ना बेटी बची। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज महिलाओं को 50% का अधिकार दिया। आज अगर मैं बुर्के के अंदर राजनीति कर रही हूं और बुर्के के अंदर जिस मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, अगर आज मैं फ्रंट पे आई हूं तो ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए ये योजना है कि हर महीने हर बहन को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। और दिल्ली के अंदर जिस तरह बस की सेवा महिलाओं के लिए फ्री है, उत्तराखंड में भी ये कार्य होगा और सुधार आएगा। अगर हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हमारा पूरा ये है कि विकास होगा। जसपुर की आवाम, जसपुर की जनता ने किस तरह से मुझे पिछले 20 सालों में आशीर्वाद दिया, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता ने मेरे को मन बना लिया कि इस बार वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को वोट देकर आम आदमी पार्टी भारी मतों से जसपुर विधानसभा जीतने जा रही है। क्या भारी में जीत रहे हैं, फिर भी आप किसको मानते, सेकंड नंबर कौन आएगा टक्कर पे, क्या लग रहा है आपको? उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।